So, yo, भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सभी लोगों का हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर गाइस। ठीक है दोस्तों, और आई होप कि यार मज़े कर रहे होंगे। सबका स्वागत करता हूँ यार मैं हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में यार यहाँ पर देखा था तो जो माइकल दादा है ना, हमने जो है शोरूम वगैरह बनवा लिया था, बैक साइड में अपना जो शोरूम है दोस्तों वो बनवा लिया था। ठीक है ना, वो सब कुछ करने के बाद भाई सरकार को भी दोस्तों यहाँ पर जो इनकम टैक्स वाले वगैरह होते हैं ना उनकी नज़रों में मैं आता जा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि माइकल दादा आप ना वो जो दूसरे जो बंदे हैं ना इनकम टैक्स वाले उनकी नज़रों में जो है आते जा रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बचकर रहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि दोस्तों मैं प्रेसिडेंट हूँ ना लॉस एंटोस का, तो इस वजह से माइकल इस तरीके के काम ज़्यादातर नहीं कर सकता है। भले ही वो मेरा पैसा है बट सबको लगेगा वो किसी और का पैसा है दोस्तों। ठीक है ना, और अभी तो आप सब लोग घर को देख लो। ठीक है, अभी कल तक दोस्तों अपना घर जो है यहाँ पर फुल टू रेडी होने वाला है। ठीक है, अपना घर जो है कल तक दोस्तों यहाँ पर फुल टू रेडी हो ही जाएगा। और अभी तो यार मैं जस्ट जो है अपने घर पर ही हूँ। ठीक है दोस्तों, घर पर अरे माइक्रोवेव के अंदर चिकन तंदूरी बनाना है मेरी माँ। यू मीन टू से हे एवा, डू यू नो व्हाट इज चिकन तंदूरी? ऑब्वियसली यू नो दैट व्हाट इज चिकन तंदूरी। चलिए तो गाइज यार अपने माइकल की फोटो को दोस्तों उधर लगी हुई है, तो अपनी सारी की सारी फैमिली जो यहीं पर बैठी है। आज जो मैं ग्रीन जूस नहीं पीऊँगा, आज मैं जो है दो पैग मारूंगा। दो पैग मारने का दोस्तों आज मेरा मन था, तो भाई मैंने सोचा आज पैग ही मारे जाएँ। ठीक है ना दोस्तों, तो माइकल दादा अभी यहाँ पर जो है दोस्तों पी रहे हैं। क्या लगता है ना भाई ये माइकल दादा घर, भाई मुझे तो देखो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है दोस्तों माइकल दादा का घर यहाँ पर। चलिए एक और, दो पीते हैं एक खाना होता है, दो पीने चाहिए। चलिए फाइनली हमने दो विस्की के गिलास का इस यहाँ पर जो है ख़त्म कर लिए हैं। बंद करता हूँ, इससे ज़्यादा भी नहीं। आज माइकल दादा का मन था तो भाई चलो पी लो, कोई बात नहीं। हे जिमी, आई लव यू सन, व्हाटएवर यू से डैड। जिमी से बात, हे डैड, फेस से नहीं करता है। फादर, हे सन, हे पॉप, जिमी से ही करता है माइकल बात, इन दोनों से पता नहीं क्यों चिड़ा सा रहता है। चलिए तो फाइनली दोस्तों अपना वो रहा शोरूम। इधर से जाने का रास्ता नहीं है क्या यार? इधर से है तो नीचे जाते हैं, बट अमेंडा कभी कभी बोलती रहती है मेरा टेनिस का वो ख़त्म कर दिया तुमने, ये कर दिया वो कर दिया, अब क्या ही करूँ यार मैं, कहाँ तक इस बीवी को भी दोस्तों जवाब दूँ, है ना। तो चलिए गाइस फाइनली अभी हमारी कुछ कार्स दोस्तों और आने वाली जो कि आपको कल तक देखने के लिए मिल जाएंगी। कल और भी दोस्तों गाड़ियाँ आने वाली है। आप ना एक बार कमेंट करके बताओ यार दोस्तों आप कौन कौन सी कार्स और चाहते हो जो कि मैं आपको और लेकर आऊँ। स्विफ्ट चाहते हो, सियाज चाहते हो, और होंडा सिविक, ठीक है, और फॉर्चूनर नया वाला मॉडल तो है, एक ओल्ड वाला मॉडल भी आता है फॉर्चूनर, एक वो फॉर्चूनर लेजेंडर, और महिंद्रा की और टोयोटा की एक वो आती है इनोवा, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा क्रिस्टा चाहते हो, किया सेल्टोस चाहते हो, कौन कौन सी गाड़ियां चाहते हो, बहुत सारी कार्स हमारे पास दोस्तों। इस वाले मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ ना इसको शोरूम ही बना दूंगा। ठीक है ना, शोरूम इसलिए बना दूंगा क्योंकि गाड़ियां दोस्तों यहां पर बिकती भी रहा करेंगी और भाई सही अपना चलता भी रहा करेगा, है ना। तो गाड़ियां दोस्तों अपनी यहाँ पर खड़ी हैं, खड़ी रहने दो। अब चलिए चलते हैं यार, अब कुछ और भी काम वगैरह मुझे यहाँ पर करना होगा, मैं यहीं पर नहीं रह सकता। ठीक है ना, अभी दोस्तों सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ जो अब यहाँ पर होने वाली, देखो घर भी अब मैंने ठीक वगैरह करवा लिया अंदर से। अच्छा दोस्तों अब यहाँ पर जब है घर लगने लग गया, ठीक है ना। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मुझे अपने घर के अंदर दोस्तों सिक्योरिटी जो है भाई लगवाई जाए, क्योंकि घर के अंदर बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, और इतना सारा सामान होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी ना हो भाई बहुत ज़्यादा गलत होगा, बहुत ही ज़्यादा गलत, ना इंसाफी सी नहीं होती घरों के साथ, वैसा हो जाएगा मामला पानी। तो दोस्तों अभी मुझे सबसे ज़्यादा ना ख़तरनाक अपने घर के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी लगवानी है दोस्तों, बट उसके लिए यार मुझे ना सबसे पहले यहाँ पर जो है लेस्टर से मिलना पड़ेगा। गाड़ी देख लो भाई क्या भागती है। लेस्टर से मिलने के लिए गाइस मुझे सबसे पहले तो अभी देखता हूँ यार वो कहाँ होने वाला है, शायद तो अपने घर पर ही होगा। अगर घर पर ना हो फिर आर्केड पे होगा, अगर आर्केड पर भी ना हो नाइट क्लब होगा, नाइट क्लब भी ना हो अपने तो अब तो दोस्तों इतने सारे अपने बिजनेस वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आज तो अपना दोस्तों वो वाला बिजनेस देखने गया होगा, वीड प्लांट वाला। यार गाइस मैं कैसे भूल सकता हूँ यार उसको, मुझे वो देखना, मुझे भी देखना है दोस्तों। चलिए तो गाइस मैं ना यार यहाँ पर एक बुगाटी शिरॉन भी लेने की सोच रहा हूँ, बुगाटी शिरॉन।
तो आप सब लोगों का क्या कहना है, अच्छी रहेगी या नहीं? एक बार यार, अब मैं हाईवे पर चल रहा हूँ ना, इसके बंद कर देता हूँ क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आएगी। चलिए, बहुत ज़्यादा आने वाली है दोस्तों। शीशे वगैरह बंद कर दिए क्योंकि भाई हाईवे के ऊपर ना आराम से गाड़ी चलाने में फ़ायदा है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं। वैसे भी हाईवे पर दोस्तों बहुत कम ही लोग यहाँ पर मिलते हैं, मिलते भी बहुत कम ही लोग हैं, बट चलानी भी दोस्तों बहुत प्यार से। एक स्पीड देख रहे हो भाई, कितनी क्रॉस कर रही है कार, देख रहे हो गाइस? मैं अभी जो जा रहा हूँ, हमने जो है एक वीड प्लांटेशन की दोस्तों यहाँ पर जो जगह ली है, लेस्टर अभी जो है आज वहीं पर गया होगा, अकाउंटिंग संभाल रहा है दोस्तों वहाँ की कि कितनी ज़्यादा बिक्री है कितनी ज़्यादा नहीं, ठीक है ना? इसलिए मैं भी वहीं पर जाना होगा, इसीलिए गाइस मैं ये वाली गाड़ी ले आया। भागती बहुत ज़्यादा है, इसकी टर्बो दोस्तों बहुत ज़्यादा खुलवा रखी है यहाँ पर जिम्मी ने, देख रहे हो? क्या बात है, एकदम मस्त लग रही है ना दोस्तों। चलिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सॉरी मैम, बट आई कांट गिव यू अ राइड, मैं आपको राइड नहीं दे सकता। एक सेकंड दोस्तों, लगता है किसी का फ़ोन आ रहा है यार मेरे फ़ोन पर, एक मिनट रुक जाइए ज़रा, किसी बंदे का दोस्तों फ़ोन आ रहा है, फ़ोन पिकअप कर लेता हूँ पहले मैं। राइट गाइस, तो यार मेरी जो है बातचीत हो चुकी है यहाँ पर। अभी ये जो फ़ोन था हमारे कस्टमर का फ़ोन था और उनकी गाड़ी की जो है सर्विस होने वाली है, तो हम यहाँ पर वादा ये करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों और मैं भी, जो हमारे कस्टमर्स हैं, अगर वो किसी कारण से जो है सर्विस सेंटर तक नहीं जा सकते हैं, तो हम उनकी फरारी की गाड़ियों को दोस्तों ऐसी सर्विस यहीं से घर से पिकअप कर लेते हैं। तो अभी स्टाफ में भाई अब कौन यहाँ आएगा तेल खर्च करके दोस्तों, मैं ही भरूँ। एक बंदे ने सैंडी शॉर्ट्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है फरारी परचेज़ की थी, तो उसने अपने घर का मुझे एड्रेस तो दे दिया, उसने कहा आपके पास जोन सी भी गाड़ी छोड़ लेकर आओगे ना, उसको वहीं पर छोड़ देना ताकि मैं इधर उधर जा सकूँ, ठीक है? और अभी घर पर कोई नहीं है, मैं अपने रिलेटिव्स के घर आया हूँ। जो गाड़ी है, गाड़ी वहीं पर है और कार जो है अनलॉक है, चाबी गाड़ी के अंदर ही है, ठीक है? हमारा सेंटी शॉर्ट बहुत ज़्यादा सेफ है, गाड़ी कोई नहीं लेकर जाएगा, अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ देना चाबी के साथ और मेरी गाड़ी ले जाना, कल तक सर्विस करा के दे देना। मैंने कहा ठीक है सर। मुझे बोलने लगे कि आपके एम्प्लॉयज़ कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा यार दोस्तों, आज मैं क्या करता दोस्तों। शिट यार, एक दो दोस्तों मुझे है ना अपने स्टाफ को एक बार अच्छे से ना गाइस यहाँ पर जो है सुधारना पड़ेगा। कॉल ज़्यादातर हमारे कस्टमर्स की है जो भाई अटेंड नहीं करते हैं। अभी उसने भाई जो लोकेशन दी उसके हिसाब से तो यहीं कहीं को भाई इसका घर होना चाहिए। उसने कहा बाहर ही खड़ी है गाड़ी, दिख जाए। ओ वो खड़ी रेड कलर की दोस्तों, दूर से दिख जाती है। भाई साहब कैसे के घर, कैसे कैसे गाड़ी देख रहे हो कैसी ले रखी है? पर भाई उसने रहता सैंडी शॉर्ट्स के अंदर ही है और सही है वैसे घर तो, बट इनका एक और घर दोस्तों लॉस सैंटोस में भी है, जो बात है। चलिए, इस गाड़ी की दोस्तों चाबी मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ और बंद कर देता हूँ इसकी छत। तो इस तरीके से भाई जो गाड़ी की छत यहाँ पर जो है बंद हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो फिर यह है दोस्तों फरारी, चाबी इसी के अंदर है, कोई नहीं अब लेकर तो जानी, इसी के साथ चलता हूँ भाई लेस्टर के पास, फिर वहीं से ले जाऊँगा, है ना? चाहिए कमी तो कुछ नहीं, बताया कि इंजन विंजन में कमी आ रही है कुछ? असल में इधर के लोग ना ज़्यादातर एसयूवी पर्पस के लिए ली थी गाड़ी, पर क्या ही एसयूवी है दोस्तों। मैं वैसे फरारी का डीलरशिप हूँ, मैं तो भाई बुराई करूँगा नहीं फरारी की, बट दोस्तों एसयूवी फरारी को थोड़ी ना वो करनी चाहिए, एसयूवी भी भाई पूरी डिज़ाइनदार बनाती है फरारी। काफ़ी प्यार से निकालनी पड़ेगी यहाँ से गाड़ी। चलिए इसका तो कोई जवाब ही नहीं है भागने में, कहाँ वो भाग रही थी इतना, ये तो भाई हवा से बातें करवा दी थी इतनी सी देर में। पर ब्रेकिंग भी तो ऐसी है फिर इसकी, मून रूफ मिलती है गाड़ी के अंदर पूरी, ये खुलती नहीं है बस दिखाई देता है इसमें को। कभी आपसे लोग सोचो दिखती भी होगी, दिखता नहीं कुछ भी। इस गाड़ी से हम जो हैवी ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, बट भाई ये कस्टमर की कार है तो भाई मैं चाहता भी नहीं इससे मैं ऑफ रोडिंग करूँ भी, मैं ज़्यादातर नॉर्मल वे हाईवे पर कोई चलाऊँगा इस गाड़ी को। गंदी देख रहे हो कैसे कर रखी है उस कस्टमर ने गाड़ी को, या भाई मुझसे ही हुई है? कमेंट करके बताएं दोस्तों, मुझसे ही हुई थी या फिर कस्टमर ने कर रखी है? शायद मुझसे ही हुई है भाई, जहाँ तक मुझे लगता है। आराम से चला रही भाई, कस्टमर की गाड़ी है।
कस्टमर की कार को दोस्तों बहुत प्यार प्यार से चलानी चाहिए। चलिए भयंकर, चलो आराम है। ओके तो गाइज यहाँ पर बहुत प्यार प्यार से चलनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इतने हाई लेवल की ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती है गाड़ी, बिल्कुल नॉर्मल लेवल की ऑफ रोडिंग कर सकती है बहुत ही ज़्यादा कम तरीके से। ग्राउंड क्लियरेंस भले ही ऊपर है, पर ज़्यादा बड़े गड्ढे में गई ना तो बस ऐसी तैसी हो जाएगी गाड़ी की। चलिए मुझे लगता है यहाँ पर लग सकती है, नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी नहीं। चलो सही है भाई, इतना तो ग्राउंड क्लियरेंस होना भी चाहिए ना गाड़ी का, बचा बचा के निकाल रहा हूँ वैसे तो मैं, होता कुछ नहीं पर भाई फिर भी देखो बचा कर चलानी चाहिए, अपना फ़र्ज़ है। तो भाई देखो जो वीट का जो दोस्तों धंधा है ना एकदम मस्त चल रहा है, क्योंकि और इस वाले धंधे के बारे में ना यहाँ पर हमने ट्रेवर ने बताया था, मैं कह रहा था कि बस ये करो ठीक है ना तुम। अभी ट्रेवर तो दोस्तों लॉस सैंटोस में ही, आपको बताओ कल मैं जो ट्रेवर को दोस्तों लॉस सैंटोस लेकर चला गया था ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लेस्टर होने वाला है ठीक है। तो ट्रेवर ने दोस्तों इसकी सारी की सारी जानकारी गाइस यहाँ पर दी थी ठीक है। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं, आई मीन कैसा बना रखा है लेस्टर ने कैसा नहीं। अभी तो मैं एक बार भी नहीं गया अंदर, पहली बार जा रहा हूँ आज अंदर। चलिए दोस्तों एक बार अंदर चलकर देखते हैं ना। तो चलिए राइट गाइज, हम जो है अंदर तो आ चुके हैं, ये वाला जो दरवाज़ा है भाई ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंटेनर्स रखे हैं और यहाँ पर कुछ हिसाब किताब का भी है दोस्तों ठीक है ना। ओके तो अभी तो सब कुछ ये संभालना है। और राइट गाइज, तो जो पौधे हैं अभी तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, आप सब लोग यहाँ पर देख तो पा रहे हो, इनके अंदर प्रोसेसिंग की जा रही है दोस्तों। और ये पाइप्स वगैरह आई डोंट नो, पता नहीं किस चीज़ के यहाँ पर जो है लगा रखे हैं। एक चिट भी लगी हुई है, पर इस चिट के ऊपर लिखा क्या हुआ है, लेट मी जस्ट शो यू द चिट। अच्छा, स्पाइसेस इन प्लांटेड HERB, पता नहीं क्या है भाई ये, पर ये होता है दोस्तों वीड ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स हैं दोस्तों इसके यहाँ पर, और इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर सूरज की दोस्तों गर्मी भी दी जा रही है। इस वाले इलाके में बहुत गर्मी गर्मी सी है ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस किया जा रहा है अच्छे तरीके से, और यहाँ पर देखो हवा भी दी जा रही है ताकि अच्छे से भाई ये जो है होए ठीक है। ओके वो रहा दोस्तों लेस्टर यार यहाँ पर, भाई साहब वैसे अच्छा बिजनेस है भाई यहाँ पर दोस्तों। ट्रेवर ने बताया था मुझे, ट्रेवर ने, देखो मैं सबसे सिंपल आपको लेस्टर के पास जाकर बात करता हूँ। चलो तो हाँ भैया लेस्टर मजे ले रहे हो, अरे मैं लोगों को वही बता रहा था ठीक है। इधर को खड़ा होता हूँ दोस्तों मैं भी, अबे साइड तो हो जाए यार। चल तो गाइस फाइनली हम भी यार यहाँ पर जो है खड़े हो गए हैं। लेस्टर बबुआ मजा आ रहा है। तो गाइस यार सबसे पहले मुझे इस वाले बिजनेस के बारे में ना यहाँ पर ट्रेवर ने बताया था, ये बिजनेस करते हैं बाइकर गैंग वाले, जो लॉस्ट गैंग में एक तो लॉस्ट गैंग है बाइकर गैंग। तो बाइकर गैंग वाले दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, वैसे वीड वगैरह दोस्तों यहाँ पर जो है उगाते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं ठीक है। तो वही उसके साथ ने देखा है, क्या कहते हैं, ट्रेवर ने भी ये वाला काम करने की स्टार्टिंग की थी, अपने बैक यार्ड में उगाई थी वीड वगैरह, बट फिर वो बिक नहीं पाई, वो खुद ही पी गया ठीक है। बट ये वाली दोस्तों बिकेगी, हम अच्छे से प्रोसेस कर रहे हैं इसको, और भाई बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से ठीक है ना दोस्तों। गाइस तो यार यहाँ पर जो भाई लेस्टर देख रहा था अपने वीड वगैरह के प्लांट्स के कुछ यहाँ पर हुए हैं नहीं, मैंने कहा भाई अभी तो देख यहाँ पर टाइम लगेगा। तो गाइस यार माइकल दादा भी एक बार यहाँ पर सिगरेट वगैरह पी कर देख रहे थे कि माल भाई एकदम यहाँ पर अच्छा है फिर नहीं है, हाँ भाई अच्छा माल बना रखा है। खैर भाई लेस्टर भी देख रहा है दोस्तों, कह रहा है प्लांट्स वगैरह में अच्छी तरीके से यहाँ पर जो खाद वगैरह डल रही है दोस्तों, खाद वगैरह डलेगी। तो भाई होता क्या है, ट्रेवर्ड ने यहाँ पर अपने बैकयार्ड में जो उसका पिछवाड़ा है ना, घर का पिछवाड़ा है, वहाँ पर ये प्लांट्स वगैरह उगाए। उगाने के बाद क्या होता है, बेचे भी कुछ थोड़े से बिके थे, फिर वो खुद ही पी गया था। कुछ बाइकर गैंग वालों से लड़ाई वड़ाई हो गई थी कि तू हमारा वाला ये जो है काम वगैरह कर रहा है ये वो, इस वजह से उसने करन था दोस्त वाला काम। बाकी काम बहुत सही है, देखो यहाँ पर अपना भाई ये भी कर रहा है, क्या कहते हैं लेस्टर भी कर रहा है। तो दोस्तों देखो कोई भी कर सकता है यार, अपना माइकल भी कर रहा है, हर कोई कर सकता है। बट सबसे पहले ना इसका ऐसे काम करने के लिए ना एक तो जान पहचान होनी चाहिए ठीक है ना, प्लस आपका जो आपकी जो बैकबोन है ना भाई वो मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि माइकल तो भाई प्रेसिडेंट है, तो भाई ये प्रेसिडेंट की आड़ में यहाँ पर कुछ भी कर सकता है ना, तो इसको पुलिस कुछ बोलेगी, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा दोस्तों। इनकम टैक्स वाले हैं जिनसे थोड़ा यहाँ पर डर लगता है, क्योंकि भाई वो प्रेसिडेंट तक को नहीं छोड़ते
तो उनसे देखो भाई थोड़ा सा तो यहाँ पर देखो डर वगैरह सा लगता है, पर देखो भाई डर के आगे जीत है, मेनली बात यही है। तो अगर हमारा बिज़नेस चल भी गया ना तो भाई देखो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, और इससे हमें बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पर जो है कमाई भी होगी, जो बात है हार्डली कमाई तो देखो हर बिज़नेस के अंदर होती है। आप सभी लोग भी बोलोगे अरिश भाई आप यहाँ पर कुछ और भी कर सकते थे, बट यार देखो जब मुझे ट्रेवर ने ये बोला कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमाई है ये वो, तो भाई देखो करना तो पड़ा ही, ठीक है। बट गाइज अब मुझे जो है लेस्टर के साथ जाना है, अब तो यहाँ पर तो देखो दोस्तों ये सब कुछ होता ही रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है लेस्टर के साथ जाना है, लेस्टर और मैं जो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से लॉस सैंटोस जाएंगे, वहाँ पर मुझे जो फरारी है इसको शोरूम पर छोड़नी है ताकि इसकी सर्विस वगैरह हो सके कल तक ही जो चली जाए, क्योंकि कस्टमर की कार है मेरी नहीं है, मैं इसको लेकर घूम नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमें जो है अपने घर पर भाई सबसे पहले सिक्योरिटी यहाँ पर जो है दोस्तों लगवानी है, मेनली बात दोस्तों यही होती है, ठीक है। चल भाई ट्रेवर सॉरी लेस्टर चला चल की कोई बात नहीं है, हो जाएगा वही बात में। चलिए गाइस अब हम जो है चल रहे हैं यार यहाँ से जो है निकलते हैं, आजा भाई बैठ तू फरारी के मज़े दिलवाऊँ आज मैं तुझे। तो गाइस आज भाई मैं यहाँ पर जो है भाई लेस्टर को फरारी के मज़े दिलवाऊँगा। ओ भाई ये फरारी तेज़ बहुत है भाई फरारी, हार्डली इसको बहुत प्यार प्यार से चलानी है भाई, बहुत ज़्यादा प्यार से। जल्दबाजी करेंगे तो भाई ख़तरनाक ओपी वाला तरीका हो जाएगा यार यहाँ पर। चलिए बढ़िया, खुले रोड पे तो चाहे जैसे चलाओ, पर उस पर नहीं चलानी है मुझे, काफ़ी आराम आराम से लेकर जानी है भाई गाड़ी को, कहीं गाड़ी के ऊपर एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं आना चाहिए, वरना तो भाई मेरी जेब से पैसा यहाँ पर जो लगेगा। ऑलराइट, और भाई मैं पहली बार ठोकना नहीं चाहता। चलिए हम अभी जो है ट्रैवर से मिलते हुए चलते, पर ट्रैवर तो दोस्तों है ही नहीं यार यहाँ पर। चलिए भाई फरारी को तो यहाँ पर हर कोई ले रहा है दोस्तों, और हमारी बहुत सारी दोस्तों फरारी बिक भी गई, शोरूम से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। बट जब से लॉस्ट गैंग वाले हमारी गाड़ियाँ लेकर गए थे ना, लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बट यार कोई बात नहीं यार दोस्तों, उस लॉस को तो हम झेल लेंगे। एक तो फरारी का शोरूम हो गया दोस्तों अपना, एक घर पर ही मैं, वैसे तो मैंने शौक के तौर पर अपने लिए दोस्तों यहाँ पर गाड़ियाँ ये जो मंगवाई हैं, हाँ, बट अगर कोई बंदा आए भी और अगर वो बोले कि मुझे जो है गाड़ी ख़रीदनी है आपसे, जो इंडियन गाड़ियाँ मैंने अपने शोरूम पर दोस्तों रख रखी, शोरूम ही मानो उसे गैराज मत बोलो, घर वाला शोरूम जो है, अगर कोई बोले तो देखो भाई मैं दे भी दूँगा अगर मुझे अच्छे मुनाफे में देगा, और वैसे ही मैं मुझे पैसे बच जाए और मैं दूसरी गाड़ी में मंगवा लूँ सेम वैसी तो मैं बेच भी दूँगा, ठीक है। जो भाई इंडियन कार्स का कुछ ज़्यादा क्रेजीएस्ट फ़ैन होगा ना वो आएगा, ठीक है ना, वरना यहाँ आकर कोई इंडियन कार्स को पूछता नहीं। हम भाई देखो बहुत तगड़े वाले फ़ैन हैं अपने इंडिया के, तो इसलिए हम यहाँ पर भी इंडियन गाड़ियाँ मंगाते हैं, देख रहे हो भाई साहब। अपनी फरारी को यार आराम से लेकर चलनी है, काफ़ी प्यार प्यार से, क्या बात है दोस्तों। भाई सिंगल रास्ते पे एक जगह नहीं ठोकनी भाई गाड़ी को, एक जगह भी क्या होती है ना वहाँ भी नहीं ठोकनी भाई गाड़ी, क्योंकि मुझे अपनी जेब से लगाने भाई। ओ सर जी, It ain't us there after. भाई साहब पुलिस वाले के सामने से इतनी तेज़ भगाई मैंने, पर पुलिस वाले को पता है ना यार मैं इस गाड़ी को पकड़ ही नहीं पाऊँगा, और प्लस उसको नहीं पता अंदर प्रेसिडेंट बैठे हैं, बट उसे सीधा ये लगा कि मैं इस बंदे को पकड़ ही नहीं पाऊँगा, तो मुझे करना क्या चाहिए, फालतू तो पीछा ही नहीं करता इसका। यहाँ के पुलिस वाले ऐसे ही हैं दोस्तों, जो गाड़ी 200-300 तक चलती है ना उसको पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते, जैसे गाड़ी 200-200 आराम से एकदम लगती है ना, क्या ही बोलो यार मैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम कार है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। चलिए 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 तो यहाँ से घूम गई। चलिए फाइनली दोस्तों हम जो है आ गए हैं सैंडी शोर से लॉस सैंटोस इस गाड़ी को लेकर। सबसे पहले ना इस गाड़ी को तो छोड़नी पड़ेगी यार मुझे यहीं पर, ठीक है, यहीं पर इसलिए छोड़ूंगा ताकि कार की भाई जो सर्विसिंग वगैरह हो सके। एक गाड़ी आई हुई है जिसकी भाई डिलीवरी होनी है इसकी, लगता है भाई इसका बंदा अभी तक आया नहीं।
चलिए स्टाफ वाले आकर खुद कर देंगे। चलिए तो भाई इसकी गाड़ी की जो है सर्विस हो जाएगी यहाँ पर। चल आजा भाई, आजा लेस्टर, बाहर आ, बाहर आजा। तो गाइस चलिए अब जल्दी हम यहाँ से जो है निकलते हैं। मुझे भी यहाँ पर एक कार वार का भाई जो इंतज़ाम करवाना होगा। अच्छा भाई लेस्टर बाहर आ जाइयो, मैं जो दोस्तों एक गाड़ी वाड़ी का इंतज़ाम करवाता हूँ। ऑलराइट, गाड़ी का इंतज़ाम, गाड़ी का इंतज़ाम, गाड़ी का इंतज़ाम। तो चलिए दोस्तों मैं ज़रा फ़ोन करता हूँ एक बार, जिमी को फ़ोन करके देखता हूँ। ऐसे ब्रो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट चलिए कोई बात नहीं। तो गाइज यार आपको पता होगा एक बार जब माइकल द प्रेसिडेंट ने दोस्तों यार यहाँ पर रेंज रोवर की गाड़ियों का कर्नल साहब के साथ मिलकर दोस्तों जो है गिव अवे किया था। आपको पता होगा तो एक बंदा भी गिव अवे दोस्तों यहाँ पर जो है जीता था। मैंने डोनेशन करी थी इतनी सारी गाड़ियों की, तो ये जो है जस्ट यहीं से जा रहा था और ये हमारा शोरूम देखकर यहाँ पर आया। इसने कहा, मैंने कहा मैं अपने जिमी को दोस्तों फ़ोन मिला रहा था, तो भाई वो जो है फ़ोन उठा नहीं रहा है। तो ये पूछने लग गया कि सर क्या हो गया है। मैंने कहा थोड़ी गाड़ी की ज़रूरत थी। वो कह रहा है मेरी गाड़ी लेकर जाओ, वैसे भी सर आपकी नहीं दे रखी है। कोई बात नहीं, मैं आप कहीं पर वेट करता हूँ। तो गाइस हमें इसकी कार जो है देनी पड़ेगी इसको वापस लाकर। चल भाई मैं दे दूँगा, ठीक है। हाँ भाई बैठ लेस्टर, तू भी चलो। तो भाई इसकी रेंज रोवर है ये दोस्तों, मैंने ही तो गिव अवे किया था इन रेंज रोवर्स का, आपको पता होगा। मेरे पास भी दोस्तों है प्योर गोल्ड में यही वाली रेंज रोवर, और मेरे पास एक रोल्स रॉयस स्वेप टेल भी है जो कि मुझे यहाँ पर फ्रैंकलिन ने दोस्तों गिफ्ट की थी, ठीक है ना। मैंने वो भी संभाल कर रख रखी है, फ्रैंकलिन वाली भी, वो प्योर गोल्ड में, बट दोस्तों दूसरे गैराज में है, मुझे वो भी लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। जो जो चाहता है कि मैं वो वाली गाड़ियाँ भी दोस्तों लेकर आऊँ एक बार कमेंट करके बताना। अभी सबसे पहले तो दोस्तों मुझे यहाँ पर कोई ना एटीएम वगैरह देखना पड़ेगा और मुझे पैसे निकलवाने पड़ेंगे सबसे पहले। तो चलिए आराम से आराम से, सबसे पहले कोई एटीएम वगैरह देखकर दोस्तों पैसे वगैरह निकलवा लेते हैं। भाई आराम से, ओला पोला मत करो करो तुम। ऑलराइट भाई, बंदे किसी और की गाड़ी है, प्यार मोहब्बत से उसने दी है। तो गाड़ी का स्टीयरिंग ख़राब है इसकी, मैं इसको मोड़ रहा था अच्छे से, नहीं मुड़ी, बट कोई नहीं। चलो हल्का सा बम्पर में पेंच लगेंगे, ठीक करा देंगे वो। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर जो है एक एटीएम ढूंढना पड़ेगा। ए टी एम भी, ए टी एम कहाँ चले गए शहर के सारे के सारे। एक दुकान पर दोस्तों एटीएम नहीं मिला आज हमें, एक दुकान पर भी एटीएम नहीं दिखा। एक दुकान पर तो दिख जाता, इधर भी नहीं है एटीएम। लग्जरी हैंड कार वॉश, ये तो हाथों से कार धोते हैं। ओके ये कब बाल काटने की दुकान है, यहाँ तो होता कहीं कोई एटीएम। मॉल में होगा क्या? यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं है दोस्तों। एक एटीएम नहीं मिल रहा है यार हमें गाइस, और एटीएम्स में बट वो काफ़ी दूर दूर हैं यार। मैं सोच रहा हूँ ना आसपास से कहीं से हो जाए, या पेट्रोल पंप पर तो एटीएम इनको खोल कर रखना चाहिए ना। यहाँ आसपास शॉप्स के पास भी दोस्तों एटीएम नहीं होता। शिट यार कैसा शहर है यार दोस्तों, एक एटीएम नहीं मिल रहा बंदे को। अगर बंदा दोस्तों एक एटीएम ढूंढ रहा है ना, उसको एक एटीएम नहीं मिलेगा। मैं घुमा कर ले आया दोस्तों गाड़ी को पूरी यहाँ से, पर मुझे एक एटीएम नहीं मिला। अब दोस्तों लगता है थोड़े ना पीछे को जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के यहाँ हो सकता है, पैसे वगैरह निकलवाते हैं ना लोग। शेरिफ के यहाँ ना, हॉस्पिटल के यहाँ पर भी दोस्तों जो है एक एटीएम दोस्तों नहीं मिला हमें, अफसोस तो ये है। स्ट्रिप क्लब के बाहर होगा क्या? अबे स्ट्रिप क्लब के अंदर है दोस्तों एटीएम यार,
ध्यान ही नहीं रहा मेरे, शायद है शायद। थैंक यू। ये रहा दोस्तों एटीएम। शिट यार, तुझे ढूंढा गली गली, तू स्ट्रिप क्लब में मिली। वैसे मैं आता नहीं हूँ ऐसी जगह, वो तो बस आ गया मैं। चलो अबे एक्सेस कर ले एटीएम को। चलो यार, हमने भाई जो है एटीएम से दोस्तों फाइनली पैसे निकाल लिए, आ जा भाई। तो गाइस जो मैं उस बंदे को यहाँ पर जो है पैसे देने, ठीक है ओके। चलिए तो दोस्तों बैठते हैं, आ जा भाई लेस्टर भाई, वो बैठ जाओ। चलो दोस्तों फाइनली हमने पैसे वैसे भी निकाल लिए। एक बंदा है जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर मिला था, हमें उसको पैसे देकर आने हैं। मुझे लग रहा है ये गाड़ी वाले ठुक ना जाए भाई मेरे से, क्योंकि भाई ये गाड़ी ना कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो है हुचके से दोस्तों मार रही है। इतने भी दोस्तों नहीं मारने चाहिए भाई गाड़ी को, वरना तो भाई ठुकती है 101% और वो भी समझ गए। चलो आराम से, मैंने बेस मॉडल गाड़ियाँ दी ना सबको, हाँ पर दी तो थी दोस्तों। चलो अबे भाई अभी ठुक जाता है, गाड़ी कैसे एकदम सामने आई है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे यश भाई आप ना वो दिखाओ, अरे ये तो रहा सिक्योरिटी सेंटर, लॉस सैंटोस वाला है। चल आ जा, चल जल्दी आ। वैसे दोस्तों है तो पुलिस स्टेशन, बट यहाँ पर जो है सोल्जर्स वगैरह मिलते हैं। मैं जो है पूरी पुलिस वाली सिक्योरिटी होती है ना दोस्तों, वो यहाँ पर लगवाने वाला हूँ मैं। खैर ये जो गार्ड्स वगैरह होते तो हेयर फॉर यू, ठीक है, लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट दोस्तों, डिपार्टमेंट तो है, बट यहाँ पर जो है आप जो है एक पर्सनल सिक्योरिटी को भी हायर कर सकते हो, जो कि अभी सर्विस नहीं आई है। बट जो VIP लोग होते हैं ना, सिर्फ उनके लिए, ऐसे गुंडी मवालियों के लिए नहीं है दोस्तों। तो भाई आपको पता है यार, माइकल दादो दोस्तों यहाँ पर बहुत तगड़ा VIP, इससे तगड़ा तो भाई देखो पूरे लॉस सैंटोस में कोई होगा भी नहीं मेरे ओपिनियन से। तो देखो भाई, जहाँ तक तुम्हारे भाई का ओपिनियन है, कोई होगा भी नहीं माइकल दादा के जितना VIP इन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर। हाँ सर है, आप टेंशन मतलब। तो गाइस यार यहाँ जो पे पुलिस वाला है, ये कह रहा है सर एक बार मुझे जो है पैसे, तो वैसे दोस्तों मैंने सारे के सारे जमा कर दिए, अब एक बार वेरिफिकेशन के लिए जो हमारे घर तक चलेगा। भले दोस्तों मैं जो है यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, बट एक बार जाकर देखेगा वहाँ पर कि सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ कहाँ पर जो अप्लाई होंगे। तो कह रहा है हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं वहाँ पर, तो मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा है हेलीपैड है, मैंने कहा हाँ भैया सब कुछ है, आ जाओ तुम। चलो तो भाई बैठो, देख लो भाई तुम पीछे बैठ लो। तो मैंने भाई से जो चाबी मांग ली थी, बैठ जा भाई, चल गिर मत जाइयो। अबे तेरी यार, शुट शुट शुट, ये पुलिस वाले क्या हो गया भाई। रुक जाओ। मुझे लगता है भाई तुझसे बैठा नहीं जा रहा यार वहाँ पर, लगता है दोस्तों से बैठा नहीं जा रहा। गाइस तो यार हम जो है जा रहे हैं दोस्तों अपने घर, और भाई वो जो पुलिस वाला था वो इसलिए उतरा था क्योंकि भाई उसको जो है ज़ोर से भाई प्रेशर आया था, तो उसने फिर दूसरे बंदे को यार यहाँ पर जो है भेजा है कि भाई आप चले जाओ। भाई साहब पुलिस वाले भी दोस्तों कैसे कैसे हैं यार, इनका हेलीकॉप्टर भाई सही होता है वैसे पुलिस वालों का भी, मुझे पहले ऐसा सही लगता था। तो फाइनली दोस्तों हम जो आ गए, चलिए। मुझे अपने हेलीपैड पर उतारना पड़ेगा भाई इसको, हेलीकॉप्टर को बड़े प्यार से। चलो दोस्तों वैसे मैं यहाँ पर भी उतार सकता हूँ, बट यहाँ पर नहीं। भाई सब जरा सा बच रहा है, पीछे करता हूँ इसे। हाँ जब इतना महंगा हेलीपैड बनवाया है सर जी, तो किस लिए बनवाया है, आ जाइए सर जी, आ जाओ सर। तो भाई साहब दोस्तों अब ज़रा मैं जो है एक बार उनको अपने घर का दोस्तों यहाँ पर मुआयना वगैरह दे देता हूँ, ठीक है ना। अभी भाई अपने घर पे जो है पूरे के अच्छे तरीके से यहाँ पर जो भाई वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, ऊपर से भी करवाएंगे। एक बार मैं ग्रीन जूस पीकर आ जाऊँ। अरे एवा तुम छुप रहा करो, एक तो दोस्तों मैं इन सब के लिए यार यहाँ पर इतना सब कुछ करता हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ ग्रीन जूस मैं पीता हूँ, हर चीज़ मैं करता हूँ भाई। ये ग्रीन जूस पीने से वैसे ताकत आती है सब कुछ करने की, है एवा। चलिए दोस्तों टीवी देख रहे हैं क्या सब,
देखने तो चलो। सब तो मजे से दूसरा टीवी देख रहे हैं लगता है भाई। लेस्टर वगैरह ऊपर हैं अभी, वो ऊपर से दूसरा पर देख रहे हैं। चलिए तो भाई लेस्टर भी अभी ऊपर ही है। वो पुलिस वाले भैया कहाँ है लेस्टर, वो किधर गए? लगता है भाई वो इधर उधर से देखने गए हैं। चल ठीक है तो भाई वो वहाँ से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों एक बार मैं जो है यहाँ पर इन सबको जो है दिखा देता हूँ पूरी की पूरी। देखो भाई वेरिफिकेशन वगैरह में भी टाइम लगने वाला है, वो सब कुछ करवा कर जब सिक्योरिटी गार्ड्स दोस्तों लग जाएंगे ना उसके बाद मैं आप सब लोगों से गाइस यहाँ पर जो है मिलता हूँ। गाइस तो यार आप सब लोग यहाँ पर भाई जो है सिक्योरिटी दोस्तों देख पा रहे हैं अभी तक वो जो है भाई यहीं पर खड़ा है इनका प्लेन वगैरह। और मैं आप सब लोगों को दोस्तों सबसे पहले जो भाई सिक्योरिटी दिखाना चाहूँगा। फाइन दोस्तों जो लग चुकी है यार यहाँ पर। ठीक है फ्रंट से अगर आप आते हैं दोस्तों, अभी तक सिर्फ ना मैंने घर की करवाई है, मैंने अभी तक शोरूम की नहीं करवाई। शोरूम की मैं मिलिट्री वाली करवाऊंगा। यहाँ पर देखो दो गार्ड और फिर आप छोटे गेट दरवाजे पर भी दोस्तों यहाँ पर जो है दो गार्ड देख पा रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद पुलिस वाले के आउटफिट में भाई एकदम खतरनाक लगते हैं। ये देखो सारे के सारे ब्लैक कमांडोज हैं। इधर दोस्तों सामने देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ पर दो खड़े हैं, वहाँ पर दो खड़े हैं, इधर दो हैं, इधर दो हैं, इधर तीन हैं, एक वहाँ गार्डन में, एक यहाँ देखो बालकनी में खड़े हैं, एक सबसे ऊपर भी खड़ा है वो देखो दोस्तों वहाँ पर टावर के ऊपर। ठीक है दो इधर हैं और ये दो यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है दोस्तों और थोड़े से पीछे हैं गाइस दो इधर, एक उस दरवाजे पे, एक वहाँ और एक वहाँ पीछे गाइस। तो ये और यहाँ ऊपर दोस्तों सारे की छत के हर कोने में दोस्तों खड़े हैं। तो भाई अब ना तुम्हारा भाई काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर भाई यूज़ आई मीन सो घर को जो भाई महसूस कर पा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, बाकी आप यार कमेंट करके ज़रूर से बताना कि जैसे कि भाई मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स ना सिर्फ और सिर्फ ये घर के लिए लगवाए हैं और सिर्फ दोस्तों बाहर ही खड़े कर रखे हैं, अंदर नहीं। अंदर वैसे भी खड़े करके भाई क्या ही फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अपना घर भी दोस्तों मैं इम्प्रूव यहाँ पर जो है भाई करूँगा, ठीक है धीरे धीरे। और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स तो देखो दोस्तों यार यहाँ पर इम्प्रूव हो ही रहे हैं। ठीक है आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार प्लीज़ कमेंट करके भाई देखो ज़रूर से बताइएगा। ठीक है और अगर वीडियो भाई अच्छी लगेगी तो देखो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। ठीक है और भाई जो भी तुम्हारा दिल करे भाई वो कर लो, मेरे गार्ड की शक्ल देख लो। ठीक है बस यार अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है देखा करो यार अपने भाई की वीडियो, उसको भी मेरे भाई लोग। ठीक है बहुत दिल से खुशी मिलती है। तो यार गाइस मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट, ऐसा लगता है ना जैसे मेहनत वसूल हो गई हो। ठीक है तो अगर इसमें मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।